उदाहरण 15, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ प्रथम पद a बराबर 10, n बराबर 14 और प्रथम 14 पदों का जो योग है हमारे पास दिया हुआ है 1050। हम जानते हैं Sn बराबर n बटा 2 बड़े कोष्टक में 2a धन छोटे कोष्टक में n ऋण 1 गुणा d। प्रथम 14 पदों का योग जो है हमारे पास 1050 है, 1050 बराबर n का मान हमारे पास 14 बटा 2, 2 a का मान 10, 10 को हम कोष्टक में रख देंगे, धन 2 गुणा 10 धन n का मान 14 ऋण 1, d का मान हमारे हमें पता हमें ज्ञात नहीं है तो d के स्थान पे d लिखेंगे और उसके बाद हम 1050 बराबर 14 बटा 2 जो है वो 7 हो जाएगा और कोष्टक में 20 धन 13 14 ऋण 1 13 d कोष्टक बंद। या 1050 बराबर जब कोष्टक खोलेंगे तो 7 गुणित 20 140 धन 7 को 13 d से गुणा करेंगे तो 91 d, या 91 d बराबर 1050 ऋण इसका पक्षांतर करेंगे 140 का तो ऋण 140। उसी तरह से 91 d बराबर 1050 में 141 को 140 को घटाएंगे, 1050 में 140 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 910, या d का मान 910 बटा 91 या d बराबर 10। इसलिए यहाँ पे जो 20वां पद जो है a 20 बराबर हो जाएगा हमारे पास a प्लस a धन n ऋण 1 गुणा d होता है, जहाँ पे a हमारा 10 है धन n हमारा 20 ऋण 1 और d का मान हमारे पास 10 है। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि 10 धन 19 गुणा 10 बराबर 190 बराबर 200। तो इसलिए 20वां पद हमारा 200 है। तो यहाँ 20वां पद जो है हमारा 200 प्राप्त होता है।